आप सभी स्वागत है। बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया वो भी देख लेते हैं, और आपको भी कैसे परफॉर्म करना चाहिए स्टॉक में वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिजल्ट लिखने के बाद हमको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, वो भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि स्टॉक में आगे तेजी देखने को मिलेगी या गिरावट, ये भी हम बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट पर पहले फोकस करते हैं, कैसे रहे रिजल्ट उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। रिजल्ट दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही देर से आए, यहाँ पर हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था इसके रिजल्ट का, और अभी रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, आप अंडरस्टैंडिंग करना। यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आर्टिकल में कोई भी इनके डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है, खाली यहाँ पर क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट है वही इन्होंने यहाँ पर मुश्किल से दिखाते हुए नजर आए, बाकी कोई भी चीज़ के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो यहाँ पर पूरी तरीके से नंबर आए दोस्तों, ये सभी इन करोड़ में है, पूरी तरीके से करोड़ में फिगर्स है। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। मैं आपको टोटल इनकम का ये पहले दिखाता हूँ इसलिए दोस्तों, क्योंकि उसमें रेवेन्यू ऐड होता है और अदर इनकम ऐड होती है। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है ऑपरेशन से, जो एक्चुअली इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है उससे जो कमाई होती है वो, और देखिए अदर इनकम की बात करें, जो भी यहाँ पर उन्हें किराया मिलता हो, अदर चीज़ें मिलती हो, उसका जो बेनिफिट होता है उसको यहाँ पर अदर इनकम में ऐड किया दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्वार्टरली बेस पर कंपेयर कर लेते हैं। पिछली बार देखिए 1164 जो यहाँ पर रेवेन्यू था, बढ़कर देख लीजिए 1446 करोड़ में हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के। अभी रेवेन्यू की बात हो गई, यहाँ पर मैं आपको जो अदर इनकम होती है उसमें भी देखिए 6 करोड़ थे पिछली बार, आज देखिए यहाँ पर 8 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी दोनों तरफ से फायदे में नजर आती है, एक तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और अदर इनकम भी बढ़ी है। तो उसी वजह से दोस्तों हम यहाँ पर जैसे कि टोटल इनकम की बात करें, पिछली बार यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम थी 1170 करोड़, वो बढ़कर देखिए 1455 करोड़ हो चुके। तो ज़बरदस्त तरीके से कंपनी की यहाँ पर टोटल इनकम में आउटस्टैंडिंग तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है आलोक इंडस्ट्री में। ये हो गई बात दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर। अब मैं आपको जैसे कि ईयरली बेसिस पर भी बताना चाहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस, हम डायरेक्टली जो इनकम है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 3225 करोड़ थी, वो बढ़कर 3756 करोड़ हो चुके। तो कंपनी के यहाँ पर भी हमें ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रेट होते हुए देखने को मिला है। ये चीज़ें होकर हमें समझ में आता है कंपनी बढ़िया तरीके से फायदे में है और कंपनी ने फायदा कमाया है। बट दोस्तों, अब यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलेगी इसमें। अब मैंने जैसे आपको टोटल जो यहाँ पर कंपनी ने इनकम कमाया वाली बताई कितनी, 1455 पूरे तरीके से आपने देखा होगा। अब दोस्तों वही यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती है वो उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कंपनी में जो यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं उसको यहाँ पर इनकम में से माइनस करना पड़ता है। अब देखिए जो इनकम की बात करें वो तो बढ़िया तरीके से देखने मिली, बट एक्सपेंसेस में हम नोटिस करें दोस्तों तो यहाँ पर उन्हें 1067 करोड़ के जो एक्सपेंसेस दिखा है वो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगती है उसकी जो बढ़िया तरीके से एक्सपेंसेस है बहुत ही ज़्यादा दिखाने में आ गए हैं। और उसी का नज़र देखिए पिछली बार 712 करोड़ थे, वो बढ़कर देखिए यहाँ पर 1067 करोड़ हो चुका है। तो ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंसेस में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। और अदर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर चार्जिंग इन द इन्वेंट्री, बहुत से यहाँ पर आप देखिए गुड्स एंड वर्क इन द प्रोसेस, उसमें भी यहाँ पर आप देखिए 194 करोड़ की भी यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर आपको फिगर देखने को मिलेगी। ये ज़बरदस्त तरीके से इतनी फिगर बढ़ी कि वो देखिए पिछली बार 26 थी और इस बार देखना कितना 194 करोड़, तो कितना करोड़ों का यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। अभी मैंने ये चीज़ें आपको बताई इसलिए कि क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इनकम है, देखिए इनकम कितनी 1455 करोड़, और उसमें से देखिए जो एक्सपेंसेस कितने हैं पूरी तरीके से यहाँ पर 1573 करोड़। तो कंपनी के क्या है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई दोस्तों, ये सबसे नोटिस करने वाली बात है। इन्वेस्टर क्या करेंगे, खाली आपको यहाँ पर इनकम दिखा देंगे और प्रॉफिट बोल देंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप रिजल्ट पढ़ना सीखिए अच्छे से, तब आपको पता चलेगा कंपनी कैसे परफॉर्म करी है। अब रिजल्ट देख ले दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पर आपको इसमें मैं आपको बताना भी चाहूँगा, देखिए छोटा दाम का जब शेयर रहता है उसमें ऑपरेटर भी एक्टिव रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप सावधान रहिए। देखिए आप इसमें अब यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी या ऑपरेटर किस तरीके से हैंडल करेंगे क्या पता, बट इसमें यहाँ पर हमें ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम तो देखने को मिल रहा है 37% करीब का, 3.91 करोड़ यहाँ पर क्वांटिटी उठाई जा रही है पूरे मार्केट में, 1.48 करोड़ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर भर भर कर रख रहे हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने वाले थे।
बिल्कुल रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कंपनी ने लॉस दर्ज किया है पूरे तक 75 करोड़ का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप देखना भी चाहेंगे तो आप जरूर चेक भी कर सकते हैं, PDF मैं आपको यहाँ पर कभी भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप जरूर अंडरस्टैंडिंग करना, आप यहाँ पर खुद की अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ाएंगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए। पिछली बार भी कंपनी का वैसा ही हाल था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस ही करती है कंपनी। और मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल के बिजनेस के बारे में मैंने कितने बार आपको समझाया भी कि दोस्तों टेक्सटाइल के रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनीज इंडिया में बहुत सारी है, तो इनको कंप्यूटर ज़्यादा है, गुड्स का जो यहाँ पर बिक्री होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, सेल्स उससे कमाई नहीं बढ़ सकती यहाँ पर और प्रॉफिट भी नहीं होता। इसी वजह से अब देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा पूरे के चार्ट पैटर्न देख लेना, स्टॉक ने ज़बरदस्त जंप करके 24 तक यहाँ पर परफॉर्म किया और यहाँ पर अभी गिरावट दिखाना स्टार्ट, यहाँ पर देखिए 22 पर आ चुका है, जंप तो ज़बरदस्त दिखा दी। यही होप है दोस्तों कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, बट रिजल्ट कोई अच्छे नहीं आए और मैंने आपको दिखा भी दिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी के इनकम से ज़्यादा हो चुका है। तो आप यहाँ पर बड़े तरीके से रिजल्ट समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखे सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।